लेडीज एंड जेंटमेन वेलकम टू द मॉड्यूल सेवेंटी सेफिशेंसी एज अस टू वैल्यूडिशन समझने की जरूरत यह है X efficiency कि एक्सफिशेंसी किस चीज़ के ऊपर मैक्मम जोर दे रही है एक्सफिशेंसी ये कहती है कि जिस तरीके से आपके एम्प्लॉय की तरफ से आपका जो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन है वो भी अपनी कंप्लीट परफॉर्मेंस नहीं दे पाती और एफिशिएंसी जो है पूरे यानी पूरे टोटल ओवरऑल मॉडल ऑफ एफिशिएंसी के मुताबिक नहीं चलती इसी तरीके से रेसिप्रोकली आपकी जो इंडिविजुअल है उसकी तरफ से भी उतना रिजल्ट्स नहीं मिलते तो दोनों का इक्वल होना बड़ा ज़रूरी है यानी इक्वेशन फॉर्म नहीं होगी जब तक कि ये दोनों की तरफ से आपको मोटिवेशन फैक्टर्स नहीं मिले इसके अलावा वो ये कहती है जो लिबिन साहब की जो आइडिया ऑफ एक्स एफिशेंसी है वो तो ये कहते हैं कि आपकी तीनों परफॉर्मेंस जो है वो मोटिवेशन की बेस पर है अगर एम्प्लॉय मोटिवेटेड नहीं है एम्प्लॉयर मोटिवेटेड नहीं है एम्प्लॉय मोटिवेटेड नहीं होगा और एम्प्लॉय की तरफ से अगर कैपिटल सोर्स आपका अक्सर आपने सुना होगा कि हमें उतनी चीज़ें हमें सोर्स नहीं मिलते हमें रिसोर्सेस नहीं मिलते हम लैक ऑफ रिसोर्स पर काम करते हैं तो ये इसका मतलब ये है कि वो कंप्लीटली ड्राइव नहीं है बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसके अंदर आपने देखा होगा कि उनको इनपुट उतना नहीं मिलता जितने आपको रिजल्ट्स चाहिए तो ज्यादा लोड आपका इंडिविजुअल पे आ जाता है इंडिविजुअल जो है वो सर्टन लेवल तक तो काम करता है उसके बाद वो डिप्राइव्ड होना शुरू हो जाता है डिप्राइव इन इन मोटिवेशन डिप्राइव्ड इन गेटिंग द आउटकम अच्छा नेटवर्किंग कैसे करेगा चीजें कैसे करेगा साधार में इसे मिसाल ले लीजिए कि मुझे मार्केट के अंदर से मैक्सिमम क्लाइंटेज डेवलप करना है और मेरे पास उनको पास चाय पानी पिलाने के भी पैसे नहीं हैं और मैं वहाँ तक पहुँच नहीं पाऊंगा तो इसका मतलब है लैक ऑफ रिसोर्सेज के साथ मेरे पास रिजल्ट कहाँ से आएंगे इसी तरीके से मुझे उनको भी उतना ही मोटिवेट करना है और इस मोटिवेटेड फैक्टर को भी देखना है वेयर एज द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस मॉड्यूल इज फोकस ऑन द सोर्स टू वैल्यू वैल्यूडिशन ना वी कैन फिगर आउट दिस फैक्टर ऑफ आई मीन अंडरस्टैंडिंग में आपके कैपिटल में और आपकी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी वैल्यू एडिशन चाहिए और आपकी इम्प्लॉयता आप मार्केट के अंदर अपने इंप्लॉयिज के ऊपर सारा जोर दें इंडिविजुअल्स के ऊपर जोर दें कि वो आपको क्लाइंटेज ला के दें बल्कि आपको भी उनके लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन्वॉर्नमेंट और रिसोर्स रिसोर्स एलोकेशन या एलोकेटेड रिसो

वो जब कंप्लीट नहीं होगी तो नॉन मार्केट इफेक्ट पैदा हो जाएंगे फिर नॉट ऑल फैक्टर्स ऑफ है प्रोडक्शन फंक्शन इज नॉट कंप्लीटली स्पेसिफाइड और नोन एंड देन इज द इंटरडिपेंडेंस एंड आनसटर्निटी लीड कंपीटिंग फॉर्म्स टू कॉपरेट टेसिटली अब एक्सप्रेसिटेट को आप समझ लीजिए जो कोई चीज मैं बयान कर पाऊं पाऊटी परसेंट में कोई चीज बयान कर सकता हूं तो इसको एक्सप्लिसिट कह सकता हूं अच्छा हर चीज को जो मेरा अमल है या मेरी कॉस्ट रिडक्शन मैंने की या कॉस्ट मिनिमाइजेशन की या मैक्सिमाइजेशन हो रही है तो कैसे हो रही है और उसी लिमिटेड रिसोर्सेज पर रहते हुए मैं आउटपुट बेस्ट कैसे ले रहा हूँ तो ये मेरा क्या होगा जितना मैं बयान कर पाऊंगा वो एक्सप्लिसिट है फिर वही फॉर्म को फॉलो करते हुए बेंच करते हुए या बेसिकली आप यू समझ लें कि रेप्लीकेट करते हुए भी वो आपकी कॉस्ट को मैक्स, मैक्सिमाइज नहीं कर पाती तो इसका मतलब ये है कि वो टेसेट है तो यहाँ पे टेसेट एक्टिविटीज को देखिए कि विद ईच अदर इन सम रिस्पेक्ट एंड टू इमिटेट ईच अदर विद रिस्पेक्ट टू टेक्निक टू सम डिग्री तो इमिटेट करने वाला जो आइडिया मैंने आपको बताया दैट इज कॉल्ड द रेसिप्रोसिटी और द रेप्लीकेशन अच्छा एक तो रेसिप्रोसिटी बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द इंडिविजुअल एंड देन फिर आपने देखना है कि मैं कोई रेप्लीकेशन कर रहा हूं क्या वो भी उतनी कॉस्ट को कम कर रहा है कितनी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि गूगल को देख के हुए देखते हुए या एप्पल को देखते हुए बेस्ट एम्प्लॉयज प्रोड्यूस कर रहा है लेकिन बेस्ट इंप्लॉयज प्रोड्यूस टेसिकली हो रहा है आईफोन uh, कैसे करता है या मैकेंटॉश कैसे करता है गूगल कैसे करता है अब तक टेसेट है तो इसी तरीके से ये टेसेट ऐसे ही होता है कि वसीम अक्रम साहब समझाने की कोशिश करें कि इन स्विंग कैसे होता है लेकिन वो जितनी मेहनत लगा लेंगे वो इन स्विंग बता सकते हैं लेकिन वैसे ही रेप्लिकेट पैदा नहीं कर सकते सो देर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ टेसेट नॉलेज एंड एक्सप्लोसिट नॉलेज यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि एफिशेंसी को भी प्रोड्यूस करना या एक्स एफिशंसी या परफॉर्मेंस को मेनटेन करना भी बहुत हद तक टेसेट होता है हमें इसको एक्सप्लेन करना होगा और हमें इसको ज्यादा ड्राइव करना होगा हम नेक्स्ट मॉड्यूल में इसको देखेंगे थैंक यू वेरी मच